कोद खेने था हम बुलादन था कोद खेने था से भला पड़ा लगा कर कर कार वही ये जिठान वो थे ये तू खा मैं नहीं खानू ये कोद मैं सब कोद पिशान दिया मेरे वो डुबना नो ये रंग पिशान जिन था शेरी वो तो के पास लाने माँ जी ये दिल कुरोद निमक फकैल छोट चाय बालो माँ जी निरई अकल काटी तू खड़ी को तेरा लाडे तुम मुँह माँ जी में बीरानो लड़ी को ओलू फूल दोलू पीठ को पन्यारू माँ जी क्या घर बुजोलू। हेलो रोन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नया दिन और एक नए दिन की शुरुआत, और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है सुंगूड़। तो सुंगूड़ गांव भी काफ़ी खूबसूरत गांव है, और आपको बता दूं कि सुंगूड़ गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर ना कोई चढ़ाई है ना कुछ है, ये रोड के अगल बगल ही ये गांव है। देख रहे आप, रोड है, रोड के सामने से गांव स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा सुंगूड़ गांव है, आधे परिवार लगभग यहाँ रहते हैं, ठीक है, और आधे परिवार रोड के नीचे रहते हैं। तो हम दोनों जगह एक्सप्लोर करेंगे, पहले चलते हैं इस साइड के गाँव को देखते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर नीचे वाले गाँव में। तो दोनों गाँव एक ही हैं, बस थोड़ा फ़र्क ये है कि ये गाँव रोड मतलब आधे परिवार रोड के ऊपर रहते हैं और आधे परिवार रोड के नीचे रहते हैं। तो पहले ऊपर साइड चलते हैं। तो देख रहे हो, मार्केट रोड के बगल पे ही है, दो तीन दुकानें जो होती हैं रोड के गांव के बगल पे वो रोड ही पे ही है। और हवा भाई काफ़ी अच्छी चल रही है, पता है आपको उत्तराखंड की हवा काफ़ी अच्छी चलती है, पहाड़ की हवा। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, ये काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो लगातार काफ़ी दिन टाइम से बारिश हो रही है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर शौरा नहीं होगा इस साइड। तो ये है ऊपरी भाग, मतलब ये कैसे, तो ये इस समय मैं रोड के ऊपर आया हूँ, और रोड के ऊपर कुछ घर ऐसे हैं, लगभग 15-20 परिवार रहते होंगे ऊपर साइड, और 15-20 परिवार रोड के नीचे साइड रहते हैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे साइड, लगभग काफ़ी गांव होते हैं उत्तराखंड के अंदर, काफ़ी गांव हैं जहां काफ़ी लंबी दूर दूर तक गांव बसे हुए हैं, और काफ़ी दूर दूर काफ़ी लंबी लंबी चढ़ाई है, लगभग दो दो तीन तीन किलोमीटर चढ़ाई है। मगर ऐसे भी गांव मिलते हैं जो रोड के बिल्कुल काफ़ी करीब होते हैं, और उनमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। मगर उत्तराखंड में काफ़ी गाँव ऐसे हैं जहाँ लगभग काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर गाँव होता है रोड से। और नीचे साइड के परिवार कुछ ऐसे हैं, देख रहे हो नीचे साइड का एरिया कुछ ऐसा है। तो मैक्सिमम 15-20 परिवार रोड के ऊपर रहते हैं और 15-20 परिवार रोड के नीचे रहते हैं। तो ऐसा कुछ है ये गांव, काफ़ी खूबसूरत सा गांव है। तो पूरा गांव दिखाने के बाद मुझे यहां पर दादी जी मिली है, और सुंगूड़ गांव तो भाई वैसे काफ़ी अच्छा गांव है, और मैंने बता दिया आपको कि लगभग यहाँ पर 30-40 परिवार रहते होंगे ना यहाँ पर, 40-45 परिवार रहते हैं इस जगह पे। और मुझे दादी जी मिली, तो मैंने सोचा कुछ दादी से कुछ चीज़ पूछ ले, कुछ बातें पूछ ले इस गांव के बारे में। तो दादी जी बताओ आप कुछ चीज़ें।
चीज है क्या क्या बोलना है बीपता हमारे गाँव की बहुत बड़ी चीज। हमारे गाँव में पानी समस्या छे। हम धारा बिटेन पानी ठी 40 लीटर ड्राम पानी हाथ पर 5-5 लीटर जेर के नहीं मुनमा गागर लीजिए तो हमें उबो मरड़ा जेन हम मरड़ा उब जेन हम तख जेन फिर हम तो अभी घर रहता है तो हम उन घास नार कर गाजी चरे घास नार कर मुँह पानी जो भी उन तब हम घर रहें 2 बजे तक हम उन बाहर बनाया बाहर खाए लोड़ा खवाएं लेवाएं लोड़ा स्कूल बेन खवाएं लेवाएं फिर हम धारा पानी जाएं फिर हम उन घर गाज देखें बोल को फिर उठे हम तो हम उबो जंगल जाए तो अभी हम बाजा भाड़ा लियन छा मोरा भाड़ा लियन छा मन यो दिन मोर लें यो दिन बाँध लें यो दिन झोड़ा लियन छा फिर जे दिन हम ये घोरा बोन जे बोलते दिन हम 2 गेत पथे लुका चा 2 गेत 4 गेत सौ लुका चा गाज भी दिए घास नार भी करी अब बेट बुआर तो कुछ नहीं सब धनी सुविधा चे अब बेट बुआर क्या चन खाली भाजनी खाली नोचनी खाली सॉरी बदनाम करना सॉरी यन सॉरी तन सॉरी खराब हो गिन ये बहुत बेकार बात सॉरी खराब नहीं आज जमन खराब हुई बेटी बिगड़िन बेटी बुआरी हमारे जो भी छे बेटी बुआरी सी छे चाहे बुआरी चाहे बेटी हम घरे न जन पल छा ओला बोन बहुत दूर जान यो अभी पैदल हम छो न जन छो न भी पैदल हम तथी जैसे हम यो अभी छो न जन तथी हम छो न भी उपजेन तो हम उन बीठा घास गाड़ी भूई पानी दिखो छो कि कभी जो है जो लम ये बीठा भी ते पानी में तो हम उन घास बारह काटें तो हम भूई आन तो हम उन रोटी खेन तो हम उन फिर बारह पीठे या छो न आन छो न हम उन चा पीन फिर छो न भी चा पी तो हम पैदल बटर लगा चा तो हम स्वर जान से हम तो लियोन तो आधा दा भार करी के डूंग पटनी डूंगर बिटन है आधा दा भार करी तब उनसे हम रूम को दगो बासी रोटी लीजिए जान से हम बोन है तो तब हमने उनके तब घर उन छा तो घर में आया तो सेल फोन अनेरा मजा आया तब हम मोबाइल भी नहीं छा कुछ नहीं छो अनेरा मजा आँचो लाइट भी नहीं छे तो सेल जाया सेल फोन घास ना डोया गोर बछल में बैठा फिर घर आया तब लोड़ो दिया क्या लोड़ा को छन क्या छन तब आग जग आया झोड़ा छा गैस नहीं छो लाइट नहीं छे तब झोड़ा तोड़ के कर रहे वो तो स्टॉप रहे बोल तो हम झोड़ा तोड़ी ताड़ी ती तो आग पान जगाई तब चाह बनाई तब भूजी काटी तब सॉरी तब चाह दीनी लोड़ो तब चाह दीनी लोड़ा खोजे दूधी जो भी रहे बोल तब रोटी बनाए तो आटा नो नो 10-10 बजे रात से छा हम तो हम माटा भीतर छा तब हम रात माट भिजो छो और पाली पान छे चुमना चिमन चिन्या चिमन्या उजलन मरते मिल छो तवा तो चिमन्या उजलन हम भीतर घोसन छा तर उन छा भीतर कोगल बनाया आज बेट बोरे तो कुछ निकान बैठ बैठी खाना तब भी सुरी न खर छन सासु न खरी छे सोरु न खोरू छे आदि पैसा एक दिन भी अगर आदि पैसा नहीं दियोल तो सुनो खोरू छू यो दिन भी सु फोन नहीं करूँ तो तेना फोन नहीं करी तो आज दुनिया से बहुत बेकार आज दुनिया में जीण कनके जीण हमें यो खुदेड़ू गाना बोधो तिमलकु पात मेरी मन खली हो लू दुपारी कु बात बेडू पाक बोर कभी है यो लो माँ जी मैं तुम्हारा घर जंगरे की घानो पीठनी पन्यारू माँ जी क्या घर ली जानो निमकु निरोद के पास लाने माँ जी ये दिल कुरोद निमक फकैल छोट चई बालू माँ जी निरई अकल काटी तू खड़ी को तेरा लड़े तुम मुँह माँ जी मैं बीरानू लड़ी को ओलू फूल धोलू पीठ को पन्यारू माँ जी क्या घर बुजोलू कूटल की कूटी मेरी दिन तेरे दिन भाते माँ जी मैं कहते रूठी आलू काटी आदा और खुद कमे माँ जी बबनों की ज्यादा आगने की आग विदाता कहते माँ जी रही मेरू भाग ओलू फूल दोलू पीठनी पन्यारू माँ जी क्या घर ली जोलू। तो देख रहे हो ये यहाँ पर घरिया है और घरिया माना जा रहा है भाई ए दादी खूब छे ना खूब तुम्हारा शरीर पा हां ए बाबू छै की खोर खाइए भाई
कोद खेने था हम बुला दन था कोद खेने था से भला पड़ा लगा कड़कड़ कार वही ये जिठान वो थे ये तू खा मैंने खानू ये कोद मैं सब को पिछान दिया मेरे वो डुबा नौनो ये रंग पिछान दिन था शेरिंग वो तो वाली खाना तो ये खाने खाना तो कोद जो नौ पिछान बात ये था ये कोदा तब ये बने दोन तो बात खाली कोद खेने तो ये था ये था कोद दोन तो बात तुझे फोन ये रंग से डाल अतः हम माध्य बिटेन तो लुड़ी बिटेन नॉन था माध्य घराना बिटेन नॉन था तब खान को सुबह का नौबला पड़ा दिन उठ बैठा था शिव बढ़िया से अपने लोग और सफेद साग वो कुमरा साग कम पलो अतः माध्यम तो सुको अपने लोग और सफेद अरे सो कर 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 है फटिंगा वरी चली जी तूने दानो जब ते फूना पचू ते केदार की कोड़ी दानो जब यूना मेरा जी तू ते फूना पचू जान तू ना खरे की गंजली पटूड़िया बरण तेरी पौजा लानी डबू दादू पटूड़िया बरणी तेरी जिना गनी नास वही पहली दही मेरा दादू निमाणी निमाणी तू ना बाबू महबूबा यड़ती जानी को विनाश कई तू ना शाली वरना का खातिर